म्यूज़िक इज़ माई पैशन और हमेशा यही करने के बारे में सोचा बचपन से, और इस फील्ड में आने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और फील्ड में जाने की। प्लेबैक जो अभी रिसेंटली किया है, सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट यही थी, क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो प्लेबैक है। अगर जो बंदा जो सिंगर प्लेबैक कर लेता है, यानी कि वो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है, तो यही सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है। इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आया है, पीपल आर लविंग इट, और स्टिल अभी जा रहा है और मज़ीद ऊपर जा रहा है। और इससे पहले भी जो काम किया है प्लेबैक से पहले, वो अच्छा काम था, अच्छे हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए काम किया, अच्छे ब्रांड्स के लिए काम किया है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट, लोगों ने बहुत पसंद किया। डिफ़िकल्टीज़ एज सच कोई ख़ास नहीं, लेकिन हाँ, सपोर्ट जो है फैमिली वालों ने और एज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन वहाँ से नहीं हुआ, लेकिन हाँ अपने जो करीबी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऑफ़ कोर्स क्योंकि मैंने जो पहला प्लेबैक किया है वही ट्रांसजेंडर के लिए है, रिमल अली, तो ऑब्वियसली वो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है कि लोगों का उस चीज़ के बारे में, उन लोगों के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, मज़ीद कुछ हो गया है, कुछ मज़ीद हो जाएगा। मैंने ईद पे दो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं मेरी, सात दिन मोहब्बत इन, जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है, जो जिसमें रिमल अली ने भी डेब्यू किया है, और उसका जितना भी म्यूज़िक था वो शराज़ उप्पल ने किया है, और वो भी मुझे फॉर्चुनेटली बड़े अच्छे तरीके से अचानक से सडनली चांस मिल गया, और शराज ने मुझे कॉल किया कि हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। मैं गई, रिकॉर्ड किया, और इट वेंट वेरी ग्रेट। और फिर उसके बाद सेकंड गाना जो है वो आज़ादी मूवी से है, जो ISPR का प्रोजेक्ट है, और उसका जो म्यूज़िक है वो सारा बॉबी वज़ीर ने किया है, और उसको सोनिया हुसैन उसकी मॉडल है, और वो भी बहुत अच्छा गया। दोनों गानों में बहुत फ़र्क है, एक गाना आइटम सॉन्ग है, दूसरा गाना रोमांटिक ट्रैक है, जो मेरे लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि लोगों को एक वर्सिटिलिटी शो करने का मुझे मौका मिला। लड़कियां जो काम कर रही हैं मीडिया में, दे हैव टू बी वेरी बोल्ड, और घर पे जैसा भी हो, लेकिन अगर आपने बाहर आना है तो यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, कि लोग आपसे इंस्पायर हों, ना कि आप लोगों को देख देख के डर जाएं। तो उसके लिए बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद बोल्ड होने के साथ साथ जो कुछ भी करना है उसमें अपनी कंट्री को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहिए, बजाय कि आप कंट्री से बाहर वालों का फ्लेवर ज़्यादा अडाप्ट करें। तो अपनी कंट्री को, जो हमारा अपना म्यूज़िक है, हमारा बहुत रिच म्यूज़िक है, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए म्यूजिशियंस को, कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं उनके लिए कुछ किया जाए, जबकि यहाँ पे स्टडीज के लिए सारा कुछ होता है लेकिन म्यूजिशियंस के लिए नहीं होता। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, तो हमें ये करना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी मैं यही कहूँगी कि हाँ जी, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं उनको सपोर्ट किया जाए। मुझे तो जल्दी मौका मिल गया, सबको जल्दी मौका नहीं मिलता।